हेलो फ्रेंड्स, ऑलमार्ट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट कंपनीज के वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, एक और नई बेहतरीन IPO आने वाली है नेक्स्ट वीक में, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये IPO GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड लेके आ रही है। ये कंपनी बेसिकली इंटीग्रेटेड रोड इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिनका एक्सपीरियंस रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स को डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करने में बहुत ही बेहतरीन है। ये कंपनी अपने EPC इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के अंडर ज्यादातर ये सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को ही लेता है और रोड के सेक्टर में ये बॉर्ड के बेसिस पे लेता है। बॉर्ड का फुल फॉर्म हो गया आपका बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इस कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाइड भी किया और देख सकते हैं थर्मोप्लास्टिक रोड मेकिंग पेंट्स को भी बनाता है, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गया, रोड सिग्नेचर्स हो गया एंड फैब्रिकेटेड मेटल क्रैश बैरियर्स को भी ये मैन्युफैक्चर करता है। अगर अप्रैल 2021 तक देखा जाए, इस कंपनी ने 100 से भी ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है और अभी 4 बॉर्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। इस कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि उदयपुर में है, राजस्थान में आता है, गुवाहाटी हो गया आसाम में आता है, और शैंडीला हो गया जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। और इसके साथ साथ इसके पास फैब्रिकेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग यूनिट भी है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो चलिए इस कंपनी का हम लोग कंपिटेटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं, जिसके द्वारा हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इस IPO को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेंथ तो आप देख सकते हैं, ये रोड प्रोजेक्ट्स बनाने में एक्सपर्ट है। ये स्टेट हाईवे के साथ साथ नेशनल हाईवे का भी इसमें रोड बनाया है, कलवर्ट्स हो गया, फ्लाईओवर हो गया, एयरपोर्ट रनवे, टनल जैसे प्रोजेक्ट्स को भी इसने कंप्लीट किया अच्छा खासा। इस कंपनी के पास स्ट्रांग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, जो कि इस कंपनी को मजबूती देती है। और इसके साथ साथ देख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है इसका, और इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है और अच्छे मैनेजर्स की टीम है, तो ये सारे क्वालिटीज इस कंपनी को बेहतरीन बनाते हैं। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। जैसा कि 31 मार्च 2021 को देख सकते हैं, टोटल एसेट इसके पास 58,287 रुपीस के अप्रॉक्स में था और 31 मार्च 2020 को ये 77,834 मिलियन रुपीस के अप्रॉक्स में पहुंच गया था और 31 मार्च 2021 को ये 1,01,60.45 मिलियन रुपीस पे पहुंच चुका है, तो बहुत ही कमाल की बात है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2019 को 53,000 के अप्रॉक्स में इसका था और वही 31 मार्च 2020 को 64,237.05 मिलियन रुपीस हो गया है और 31 मार्च 2021 को ये 79,069.43 मिलियन रुपीस हो गया है। तो देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है। अब चलिए बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। देख सकते हैं 31 मार्च 2019 को ये 7,166.38 मिलियन रुपीस पे था, ये बढ़ के देख सकते हैं 31 मार्च 2020 को 8,008.32 मिलियन रुपीस पे हो गया है और ये भी इंक्रीमेंट होकर देख सकते हैं 31 मार्च 2021 को 9,532.21 मिलियन रुपीस पे हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हर साल बढ़ा है इसमें। तो चलिए इसके IPO के डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि ओपनिंग डेट यहाँ पे 7 जुलाई 2021 ही है और क्लोजिंग डेट भी है इसका 9 जुलाई 2021 को। फेस वैल्यू ₹5 पर इक्विटी शेयर्स रखे गए हैं। IPO प्राइस देख सकते हैं 828 रुपीज से लेके 837 रुपीज के बीच में लाई करेगा, तो आपका मिनिमम 828 होगा और हाइयर होगा आपका 837 पे। मिनिमम लॉट एक लॉट होगा जिसमें 17 शेयर्स आएंगे और आपको देना पड़ेगा 14,229 रुपीस और मैक्सिमम लॉट 14 के जाने वाले हैं जिसमें 238 शेयर्स आएंगे और आपको देना पड़ेगा 1,99,206 रुपीस। ऑफर फॉर सेल होंगे आपके 1,15,08,704 इक्विटी शेयर्स के होंगे, जिसका एग्रीगेट वैल्यू 963.28 करोड़ होने वाला है। इसका अलॉटमेंट डेट हो गया 14 जुलाई को और फंड का इनिशिएशन हो जाएगा आपके 15 जुलाई तक और आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स आ जाएंगे 16 जुलाई तक और IPO की लिस्टिंग डेट होगी 19 जुलाई 2021 को। तो ये इस कंपनी का फंडामेंटल्स हो गया फ्रेंड्स। अब अभी इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि आपको इसको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद भी रिसर्च कीजिएगा या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले लाइक शेयर एंड कमेंट के साथ फॉलो जरूर करें चैनल को।